ये बच्चों को डांस सिखाते यही काम करते हैं आप? एक्टिंग बिल्कुल एक्टिंग। अच्छा ठीक है, यानी आप डांस सिखा रहे हो या आप एक्टर हो, एक्टिंग सिखा रहे हो, कुछ भी करते हो तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। 10 बच्चे हैं तो 10 घर तक नेटवर्क पहुंचा, 20 बच्चे आए तो 20 घर तक आपका नेटवर्क पहुंचा। इस तरह से जितना ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा स्कोप बड़ा होगा, उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा पहचान बढ़ेगी और उतना ज्यादा, सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर नेटवर्क अपना कीमती समय निकाल कर, कहा जाता हमारे हिंदुस्तान में ब्लड दान महादान होता है, उसके बाद कन्यादान भी महादान होता है, उसी बीच में समय दान भी बड़ा दान है आज के टाइम में, क्योंकि किसी के पास है नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये जो समय आप दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। हम कुछ बातचीत करेंगे अपने लाइफ को लेकर के, हमारी जो जर्नी चल रही है, जो हमारा फ्यूचर आगे आने वाला है, किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे सूप पिया, आप सभी लोगों ने सूप पिया, सूप बना हुआ था, वो सूप आरसीएम का था, आरसीएम के प्रोडक्ट से बना हुआ है ना। काफी चीजें जो है यहाँ पर आरसीएम की बनी हुई थी, केक बाहर से आया, बाकी सब चीजें लगभग आरसीएम के प्रोडक्ट से बनी हुई थी। तो आज हम बात करेंगे अपनी सेहत को लेकर के। पैसे तो ऑलरेडी हम कमा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत सारा फील्ड है, बहुत सारा रास्ता भी है, बहुत सारा काम भी है, लेकिन जब ये रहेगा तब पैसा आएगा, क्लियर? तो आज हम बात करेंगे सेहत की। हमारे साथ में कई तरह का नुकसान हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इसमें क्या फायदे हैं, इसमें क्या ताकत है, इसमें क्या बेनिफिट, यही देखते हैं। अगर 10 रुपया लिखा है तो कितना रुपया देंगे हम दुकान पे? 10। नमकीन है, चाय पत्ती 10, तो 10। 100 लिखा है तो 100 देते हैं। इसके नीचे लिखा होता है यहाँ पे बारीक अक्षरों में इंक्लूज ऑफ़ ऑल टैक्स, यानी सब टैक्स डाल के 100 रुपए का सामान है। आपने लाला जी को 100 रुपया दिया, सामान लिया, मतलब आपके जेब से टैक्स, क्योंकि टैक्स के साथ था। अब ये किराना स्टोर वाला कोई भी रिटेलर जो है आपको अगर जीएसटी बिल लगा करके, जीएसटी लगाकर बिल नहीं देता है तो क्या टैक्स सरकार तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। इससे होता है टैक्स का चोरी, जो तीसरा नुकसान। ये तीन तरह के नुकसान आपको यहाँ पे मिलेंगे, टैक्स चोरी, ये तीन नुकसान आपको यहाँ पे मिलेंगे, डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी हमारे देश के साथ, इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। आप बताइए ये तीन नुकसान हो रहे हैं इस रास्ते से सामान लेने से, क्या ये नुकसान सही हो रहे हैं? नहीं ना, ये नहीं होने चाहिए ना। इसी से बचने के लिए जैसे आप लोग बैठे हो, सेम इसी तरीके से कस्टमर भी आया, सरकार भी आई और कंपनी ने, तीनों ने बैठक किया, कस्टमर, सरकार, कंपनी, तीनों ने बैठक किया, इससे कैसे बचा जाए। तो कस्टमर बोला अगर हम इस रास्ते से राशन खाना बंद कर देंगे तो क्या ये लोग का काम चलेगा? नहीं चलेगा। कंपनी बोली अगर हम बनाना बंद कर दे, क्योंकि ये लोग हमारा माल डुप्लीकेट बनाते हैं, अगर हम बनाना बंद कर दे तो क्या इनको सामान मिलेगा सभी को? कंपनी के बिना हम लोग नहीं चल सकते, क्योंकि हम लोग कंपनी नहीं खोल सकते, और हम लोगों के बिना कोई भी कंपनी नहीं चल सकती, क्योंकि खुद बना के खुद खा नहीं सर, क्लियर? तो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट, जनता कंपनी पे डिपेंड है और कंपनी जनता पे, क्लियर? तो ये कंपनी बोली कि क्यों ना बीच का रास्ता निकाला जाए, हमारे बिना आप लोग का काम नहीं चलेगा और आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा करते हैं हम और आप एक हो जाते हैं, बीच वालों को बाहर निकाल देते हैं, अब चलेगा। इसी का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। अब यहां पर फायदा समझ लीजिए, बस खत्म है। कंपनी बोली हम बना सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं, 90% हम चलेंगे, 10% आप चलो, आपके पास में एक दुकान खोलेंगे पीयूसी, जिसका नाम है पब्लिक यूजर सेंटर, जो किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी, क्लियर? आप यहां से प्रोडक्ट लोगे तो आपको अनेक फायदा मिलेगा। कस्टमर बोला क्या फायदा मिलेगा, कंपनी कहती जब इधर से सामान लाते थे तो आपका 50% पैसा बीच में चला जाता था और आपके साथ में डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी, ये तीन नुकसान हो रहे थे। हम जब डायरेक्ट हो गए थे, तीनों नुकसान से आप पहले नंबर पे बच गए, और ये 50% जो यहाँ पर जा रहा था, मैंने इनको निकाल दिया बाहर, बीच वालों को, तो ये 50% पैसा गया बच। ये हमारा पहले भी नहीं था, अब भी हम नहीं लेंगे, इसमें से हम 5% किराया काटेंगे। कितना? 5%, क्योंकि 90% चलकर हम यहाँ सामान छोड़ने खुद आएंगे, आपके पास में जो शॉप होगी वहां डायरेक्ट सामान छोड़ेंगे, 5% किराया काट लेंगे बचे हुए में से। अब कितना पैसा बचा? ये 45% पैसा जो अभी भी बीच में बच रहा है, ये किसका बच रहा? अपना बच रहा, कस्टमर का बच रहा, बिल्कुल। तो ये कंपनी बोली अगर आप सामान यहां से छोड़कर यहां से लेते हो, ये पैसा आपको सिस्टम के द्वारा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा।
अब बताइए ये पैसा हमारे घर में अगर वापसी आए तो लेना चाहिए या अभी भी बाजार में कमा के देना चाहिए? बिल्कुल डायरेक्ट होने से अनेक फायदा है, स्वास्थ्य का भी फायदा है, पैसों का भी फायदा है, समय का भी फायदा है, सब कुछ फायदा है। और यही काम मैंने किया, मैंने लोगों की मदद किया, लोगों को फायदा दिलाया और उसी की वजह से आज मैं इसमें सिस्टम में महीने का 20 से 30 हजार रुपया पार्ट टाइम में कमाता हूं, ये सिस्टम लोगों को बता के लोगों का बेनिफिट करा के। और एक ऐसा स्कोप यहां पर है, एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप अनलिमिटेड प्यार, अनलिमिटेड सम्मान, अनलिमिटेड इज्जत, पैसा, सिक्योरिटी, सब कुछ, अनलिमिटेड समय आप यहां से पा सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जिसके पास चैन है वो चैन से सोता है और जो अभी तक चैन नहीं बना पाया वो बेचैन रहता है। चैन हर जगह बनती है, जहां आप चैन नहीं बना पाओगे वहां आप कुछ नहीं कर सकते हो। स्कूल में भी चैन है, वहां भी नेटवर्क है, बच्चों का नेटवर्क स्कूल में बनता है, ओला उबर क्या है, नेटवर्क है, जोमेटो क्या है, नेटवर्क है, हर जगह नेट। एक दुकानदार के पास क्या होता है, नेटवर्क होता है, लोग होते हैं, हर जगह नेटवर्क है। जहां पे नेटवर्क होता है वहीं पर काम। मोबाइल कितना भी महंगा रख लो, नेटवर्क नहीं है तो क्या है, वो बेकार है ना। तो जिसके पास नेटवर्क बड़ा है उनके पास पैसा बड़ा है, जिनके पास नेटवर्क नहीं वो अकेले जिंदगी भर मेहनत करेंगे कुछ नहीं होगा। जैसे अभी आप, अनिल नाम था आपका जी, अनिल जी मैं नाम याद है मुझे, तो अनिल जी के पास क्या है, नेटवर्क है। ये बच्चों को डांस सिखाते, यही काम करते आप, एक्टिंग, बिल्कुल एक्टिंग। अच्छा ठीक है, यानी आप डांस सिखा रहे हो या आप एक्टर हो, एक्टिंग सिखा रहे हो, कुछ भी करते हो तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। 10 बच्चे हैं तो 10 घर तक नेटवर्क पहुंचा, 20 बच्चे आए तो 20 घर तक आपका नेटवर्क पहुंचा। इस तरह से जितना ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा स्कोप बड़ा होगा, उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा पहचान बढ़ेगी और उतना ज्यादा, सही बोल रहा हूं, तो यहां पर नेटवर्क। अब यहां पर दिक्कत की बात क्या आती है कि वहां आपको अकेले मेहनत करनी होती है, यहां पर मैं अकेले मेहनत नहीं करता, मेरे साथ सब लोग खड़े हैं, अपने अपने काम के लिए खुद काम करते हैं। अभी बच्चों को हम अकेले ट्रेनिंग देंगे, बच्चे हमारे और दूसरे बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे पाते, ऐसा होता है ना, क्योंकि मास्टर तो हम है, है ना, तो हमें सारा काम करना होता है। पर इसमें क्या है, हमने सबको मास्टर बना दिया, इस सिस्टम में यह फायदा होता है, आज हमें अगर कुछ हो भी जाए, भगवान ना करे, तो हमारे परिवार को कभी ऐसे करना नहीं पड़ेगा, कभी काम खोजना। तो ये नेटवर्क की ताकत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर आने के लिए। सर बता देते ना, इसमें समझ लेने से किसका फायदा होता है, आपने अगर चला बताया। हम सारी चीजें समझ गए हैं और ये समझा भी चुके हैं। हाँ। तो जब भी कहीं आपका कोई सेमिनार होता है तो हम वहाँ पे इसको लेके आगे जाएंगे और हम खुद आएंगे स्पेशल आपसे के लिए। मुझे बोलेंगे पांच तरह का, सुनिएगा, शॉर्टकट में पांच तरह का फल हमें रोज खाना चाहिए, नहीं खा पाते हमें आज के टाइम में। अभी जो दूध आता, दूध तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, फिर भी आप चाहो तो दिन में 9 गिलास दूध पियो, अगर आप उतना प्रोटीन चाहते हो तो, या तो 5 फल खाओ, नहीं खा सकते 150 ग्राम काजू किशमिश बादाम खाओ, अगर वो भी नहीं खा सकते तो 2 किलो पालक खाओ, अगर सब्जियों के प्रेमी हो तो, वो भी नहीं हो सकता तो 2 किलो चावल और 20 रोटी खाओ, अगर वो भी नहीं हो सकता, सुनिए, वो भी नहीं हो सकता तो एक काम करो, अपने पास है न्यूट्री चार्ज का मेन टेबलेट है, जो फूड सप्लीमेंट है, उसे एक टेबलेट लोगे 33 तरह का आपको फल और फूल का ताकत आपको मिल जाएगा। हाँ, एक टेबलेट लो, उस टेबलेट में लेता हूँ, मेरी फोटो भी देखोगे, जो मेरी 7-8 साल 10 साल ओल्ड फोटो अभी देखोगे कहोगे 35 साल का हो, अभी मेरी उम्र 33 है, 33 साल का मैंने, ठीक है, अच्छी बात। तो वो मैं अभी लेता हूँ, खाता हूँ, क्योंकि मुझे ना सेब खाने के लिए टाइम मिलता है और ना मुझे 9 गिलास दूध पीने के लिए टाइम मिलता है, ना 2 किलो पालक खा सकता हूँ, इसलिए एक टेबलेट आप ले, न्यूट्रिशियन का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, विजिट कीजिए एक बार शॉप पर। लेडीज का है हाँ बिल्कुल सर, जाइए, थैंक यू सर, थैंक यू, अगले संदेश।